आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो भाई आपको लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था कोटी कनासर महादेव का मंदिर, और अब मैं आ गया हूँ यहाँ के बहुत ही फेमस जगह में जिसका नाम है मोइला टॉप। मोइला टॉप आपका बहुत ही खूबसूरत जगह है और टॉप पे है, और यहाँ से मैं दिखाऊँगा आपको ये जो जगह है, यहाँ से हम आए थे। यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से स्टार्ट होगा मोइला टॉप के लिए, और आगे आपका लोखंडी भी इसी जगह पड़ता है आपका 4.5 किलोमीटर पे। तो ये हम मोइला टॉप के लिए यहाँ से जाएंगे, और तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर तो हम स्कूटी से चले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक है, वो देखते हैं कितने किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और आगे चल के देखते हैं मोइला टॉप कैसा होने वाला है। वो देखिए कितनी सारी भीड़ है। तकरीबन 4 बज चुके हैं और मौसम देखे कितना खूबसूरत हो रखा है। अगर थोड़ा सा और लेट होते हम तो ट्रैकिंग नहीं कर पाते, तो फिलहाल अभी ट्रैकिंग का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम ट्रैकिंग ज़रूर करेंगे और ऊपर चल के देखते हैं कैसा रहने वाला है। और मेरी हालत देख सकते हो अभी कितनी बुरी हालत हो गई है, सुबह से चल रहे हैं, कम से कम 100 किलोमीटर से ऊपर चल लिए होंगे हम, 150 किलोमीटर होने वाला होगा हमें। और यहाँ पर बहुत सारे होटल भी हैं आपके। ये हमारे स्कूटी पेट्रोल भी ख़त्म हो गया हमारा, 7 किलोमीटर आगे जाके पेट्रोल मिलेगा हमें। ये अपना चाय वाई के लिए शॉप है, छोटी सी दुकान, और ये आपके होटल हैं बहुत सारे, अगर आपको रुकना हो तो यहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों हम मोइला टॉप के लिए निकल चुके हैं, पर जो 2.5 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो हम स्कूटी से कर रहे हैं, और रोड देख सकते हो आप कैसा हो रखा है यहाँ का, बिल्कुल ऑफ रोड है, ख़राब रोड है, और आराम आराम से चलाना पड़ेगा आपको यहाँ से। और देखिए साइड में आपका क्या हालत है, और यहाँ पे कारें भी आ रही हैं, तो रोड बहुत ही नैरो है, जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, कार भी निकल रही है ऐसी रोड से, हम भी निकल रहे हैं, और मौसम भी बेहतरीन हो गया, बस बारिश वगैरह ना हो, बारिश हो जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं, फिर भी हम दिखाएँगे आप लोगों को, बारिश हो चाहे ना हो, अब हम तो निकल चुके हैं, और 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद फिर देखते हैं 1.5 किलोमीटर की, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर और आपका ट्रैकिंग है जो हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से 2.5 किलोमीटर पैदल यात्रा है, पैदल ट्रैकिंग है, बोर्ड भी मैंने दिखा दिया था आपको, और मौसम जो है काफ़ी अंधेरा सा हो गया है, धूप भी नहीं है, गोप्रो में शायद वीडियो भी अच्छी नहीं दिख रही होगी। देखते हैं ऊपर जाके कैसा मौसम होने वाला है। ट्रैक तो थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा हाँ चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों ये आपकी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मोइला टॉप पे जा रखे हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। ये देखो 2.5 किलोमीटर, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें, अभी 4:50 हो रहे हैं। ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू वीराणू चा ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू वीराणू चा याद आणू चा।
फाइनली दोस्तों 40 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए मोइला टॉप पर, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, धुंधी धुंध, फॉग ही फॉग। और अभी बज रहा है आपका 5:35, तो 4:50 पर हम चले थे, ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, और बज गया आपका तकरीबन 5:35। तो यहाँ पर अगर आपको शाम को आना है ना, तो यहाँ आ सकते हो, और कितना खूबसूरत मौसम आपको मिलने वाला है। और यहाँ देखिए हरी भरी घास, बेहतरीन घोड़े खा रहे हैं, और ये है अपना खूबसूरत सा मंदिर, काफ़ी धुंध हो रही है, वहाँ भी जाएंगे नज़दीक में। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ व्यू मोइला टॉप का, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। तो देख रहे हो दोस्तों मेरे पीछे कितना खूबसूरत मंदिर है, और ये आपको मिलेगा मोइला टॉप पर। तो मोइला टॉप पर आपको ट्रैकिंग करनी है, और उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर मिलेगा, और ये बेहतरीन मौसम, अगर आप 5 के बाद आओगे ना, तो इस तरह का व्यू मिलने वाला आपको, कितना बेहतरीन व्यू है। जितनी मेहनत करी थी ना आपने, वो आपका वसूल हो जाएगा, और आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जब भी ट्रैकिंग करोगे ना, अपने साथ एक पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीज़, और आराम करते करते आना। और हमें तो लग गए थे भाई 40 मिनट, अब आपके ऊपर है कितना टाइम लगाते हो आप। तो भाई मोहित कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब क्या ही बताऊं, मतलब इतना मजा आ रहा है ना। हाँ, मतलब मैं ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। स्वर्ग में आ गया ना, कसम से अमेजिंग। तो अगर आपको केदारनाथ चढ़ने की ट्रैकिंग की ट्राई करना है ना, तो पहले यहाँ की ट्रैकिंग कर लो, उसके बाद आप केदारनाथ जा सकते हो। दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपका बुदेर गुफा भी है, जहाँ से पांडवों ने यात्रा करी थी, और वो यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। बट आप देख सकते हैं मौसम कितना औसम हो रखा है और ख़तरनाक हो रखा है, धुंधे धुंधा, इसलिए हम बुदेर गुफा नहीं जा रहे हैं। अगर आपको आना हो तो आप जा सकते हो मौसम को देखते हुए वहाँ पर, बट अभी मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से, सुरक्षा पर्पज़ से वो सही नहीं है जाना। आप देख रहे हो इधर की तरफ गुफा पड़ेगी आपकी, अगर आपको आना हो तो वहाँ जा सकते हो, बट हम यहाँ नहीं जा रहे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ इसी तरीके की नई नई वीडियो, औसम वीडियो, उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और देखते हैं आपके लिए क्या नया ला पाता हूँ मैं। इस शानदार और रोमांचक सफ़र को अपनी यादों में बसाकर हम निकलते हैं एक और नए शानदार सफ़र की ओर। अगर आप लोगों को भी कभी समय मिले तो इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ज़रूर लें। दुनिया में सिर्फ प्रकृति है जो आपको फ्री में खुशियां देती है, और बदले में सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहती है। तो इसी तरह आपको मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तो बने रहिएगा NCR नेगी व्लॉग्स में।